हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी हमने खाना खा लिया और नहा धो लिया आराम से, और अभी यहाँ पर बैठे थे मम्मी और पापा और नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता का ख़त्म हो चुका है और अभी ऊपर चलते हैं धूप आ गया क्योंकि। ये देखिए सुना गया इसको ना, आज मैं कल पता ना 6 बजे आया था। क्यों? हमारा एक इवेंट था, उसमें गए थे ना वहाँ बागपत। हाँ, 6 बजे आया था फिर मैं। तो फिर अभी फिर अब थक गया था ना मैं कल बहुत। हाँ, यहीं छोड़ गए थे। अभी चलते हम दूसरी छत पे। ये यहाँ से है, इतना स्पेस है, कुछ यहाँ से आराम से चले जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती इतनी। अब चलते हैं। ठंड में भी दोस्तों पतंग वहाँ पर जो ये है ना, ये गोला गोला सा दिख रहा है, यही है मधुमक्खी का छत्ता, बहुत बड़ा। अभी दोस्तों पापा यहाँ से बात कर रहे हैं पौधे वोधे। पापा पौधे देखने जा रहे, मैं भी आ रहा। पापा भी जा चुके हैं। ये पौधे है सुंदर सुंदर। दोस्तों फूल तो आर्टिफिशियल थे, हमने नहीं लिए क्योंकि रियल वाला केले का पेड़ है ना बाबा। हाँ, असली वाला नहीं था केले का पेड़, वो वैसा था, मेरे गमले वाला पेड़ था, गमले में इतना सा होता है पूजा के लिए। अच्छा। छोटे पत्ते वाला, मगर भाई हमें तो छोटे पत्ते वाला चाहिए, वैसा तो हमें चाहिए नहीं, जो अपना देसी होता केले का पेड़। जी तो अभी दोबारा चलते हैं दूसरी छत पर। बुरे बंदर। सो दोस्तों यहाँ पर बाइक है और पापा रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। लाइसेंस बन जाएगा जब कल मैं इवेंट में गया था तो हमको वहां से ये कुछ चीजें मिली खाने की। अरे बिस्कुट कहाँ? तो ये है फैंटाई बोतल और एक बोन ब्राउन का बिस्कुट। तो दोस्तों मम्मी भी आ चुकी है कपड़े लेकर, और यहाँ अम्मा ने पहले हमारी छत कब्जा रखी है। करते हैं कार्यक्रम शुरू। नॉन स्पॉन्सर्ड गाइस, मैं आपको नहीं कह रहा कि खरीदिए, तो खरीदना मत, अपने हिसाब से देखिएगा। दोस्तों अभी मेरी मम्मी वो निकाल दी है ये गमले। देखो पहला गमला लिया ये, और ये निकालने पड़ते हैं रोज, रखते भी पड़ते हैं रोज क्योंकि बंदर की वजह से यहाँ पर सब कुछ बंदर की वजह से ही रखने निकालने रखने पड़ते हैं, क्योंकि बंदर आते हैं तो सारा खल्लास मामला कर देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा भी गमला आ चुका है, मिट्टी के साथ मिट्टी को ऊपर उठा दिया उन्होंने। देख ये देख देख ले, कहने को नन्हे नन्हे से और ताकत देख। तो दोस्तों अभी खाट पर डालते हैं, मम्मी यहाँ पर चटाई बिछाएंगी। तो मम्मी ने यहाँ पर चटाई बिछा दी है, हट हट से कह रही थी। ये रहा दोस्तों पेचकस का डिब्बा मिल चुका है, ये होगा शायद अचार का डिब्बा, खोल के देखते हैं। हाँ यही है। अब मम्मी करेगी यहाँ मशीन ठीक। चले चले चले, डंडा उठा लिया है दोस्तों हमने, और इधर बोड़ा वहां पे भी है, ताई थाने पीछे है, ध्यान रखियो। बंदरों से युद्ध के लिए हम तैयार हो चुके हैं यहाँ दोस्तों। मेरे वहां पर बंदर। सो दोस्तों मेरे वहां पर
देखो गाइस व्हाइट कबूतर उड़ रहे हैं, वाइस कबूतर। टायर भी अपने कपड़े सुखा रही है यार, टायर भी कपड़े सुखा रही है। बंदर आ रहे हैं, कुछ लोग तो उतारेंगे लेकिन ये अपना लगा रही है। गन्ने खा रहे हैं, देख लो गाइस गन्ने खा लो आप भी। कितना ठाड़ा बंदर है दोस्तों, सुनसान घर है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। दोस्तों बताओ ये क्या है, बताओ दोस्तों ये क्या चीज है। ओ दोस्तों चील भी उड़ रही है, वाह सो ब्यूटीफुल। अबे कहाँ है सर? दोस्तों बहुत तगड़ी चील उड़ रही है। ये ईटें रखी हैं बहुत सारी, ये दोस्तों दीवार यहाँ तक थी पूरी, यहाँ तक और ऐसे थी पूरी, और बंदर ने गिरा गिरा कर इतनी ईट यहाँ पर गिरा दी इनकी। कबूतर कलाबाजी दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, उड़ा भी नहीं जा रहा। मीठा ना है, नहीं छोटा है अभी। आप बताना कि गाना खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है या सही होता है, क्योंकि हमें शुगर बहुत कम से कम खानी चाहिए और शुगर इससे बनती है तो सोच सकते हो शुगर में इतनी मिठास होती है तो इसमें कितनी मिठास होती होगी, ज़रा सोच के देखो आप। ओ सो दोस्तों बंदर आ चुका है यहाँ। सो दोस्तों जैसे हम बताते हैं आपको ऐसे बंदर भगान चाहिए। चेरी देख लिया दोस्तों, अभी यहाँ पर खाना खा रहे हैं हम, चटनी वटनी सब और सब जगह कटोरा भर ही लिया मम्मी, बिल्कुल नमक सब। सो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर एक चैलेंज पियू के साथ, तो जो बैडमिंटन में खेलने की रबड़ होती है ना इनके साथ वो शटल, वो हमने मैंने कहीं छुपा दी है तो, और फिर मैंने कहा इसको कि वो ढूंढनी है। अब इसका चैलेंज शुरू होता है, अब इसको ढूंढनी है और टाइम मिलेगा इसको 3 पर है सुई, तो 7 पे हम कह देंगे स्टॉप कर देंगे। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्लू है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक जगह पर है। पंखे पे बोरी, क्या पंखे पे बोरी? अरे दोस्तों इसका तो बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये आ गई हमारी, अभी मैं बाहर उतर लूंगा और अभी वो छुपा रही है तो अभी मेरा होगा चैलेंज। हाँ तो कर लेगी, बंद करेगी यहाँ बड़ा, तो मैं तो जल्दी ढूंढ लूंगा क्योंकि मुझे पता है कहाँ छुपा सकती है। तो थोड़ा और ये भी आ चुकी है, वो किसी चीज से ढक रही है। क्लू क्लू पर मैं ये नहीं बताऊँ किस चीज से ढक रही है, मैं वैसे बताऊँ तो ये क्लू बता जल्दी। तो कितने 20 मिनट सही है और अब ढूंढना शुरू करते हैं कहाँ जा सकती है वो। ये रही मिल गई दोस्तों, यहाँ थी इसके यहाँ मिल गई। देखो अब हटा नहीं सकता, नहीं हो पी भी लूँ जो मैं दूध। मैं पीने का ही नहीं, तब ये हटाने का नहीं, हटा बिल्कुल भी नहीं रहा। सो इसी के साथ इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग, बाय।